नमस्कार, मैं हूं अरविंद। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन सभी वायदे हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी की क्या नीति रही। शिक्षा को लेकर मोदी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, देश के भविष्य यानी नौनिहालों तक पहुंचने के लिए जरूर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षक दिवस पर मोदी हजारों छात्रों से एक साथ दिल्ली में बैठकर पूरे देश की छात्रों से बात करेंगे। देश के भविष्य के बारे में छात्रों के विजन को जानेंगे। HID मंत्रालय ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ नीतियां भी बनाई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे छात्र संतुष्ट हों। इसी पर हमारी खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन हो चुके हैं। युवाओं के बल पर सत्ता तक पहुंचने वाले मोदी ने अब तक छात्रों को खुश करने में नाकाम ही रही है। अब मोदी ने छात्रों तक पहुंचने के लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे का दिन चुना है। एक साथ मोदी देश के हर कोने में छात्रों से बात करेंगे और देश के बारे में बताएंगे। मोदी की पाठशाला, शिक्षक दिवस पर शिक्षा पाठ, छात्रों की लेंगे क्लास, हजारों छात्रों को देंगे शिक्षा की सीख। शिक्षा का स्तर सुधारने और छात्रों की समस्या सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हजारों छात्रों से मिलेंगे। लगभग एक साथ 14.5 लाख सरकारी, 4 लाख से ज्यादा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अलावा भी कई संस्थानों के बच्चों से रूबरू होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री एक साथ इतने छात्रों से टेक्निक के सहारे शिक्षा के बारे में बात करेगा। इस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस का दिन चुना है। ऐसा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं। इस दिन मोदी देश के लाखों नौनिहालों से सीधे रूबरू होंगे। इस रोज प्रधानमंत्री की पाठशाला सभी माध्यम के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में लगेगी। मोदी एक साथ लाखों बच्चों से देश की जरूरतों, उनकी भागीदारी और भविष्य का भारत बनाने पर बात करेंगे। बच्चों को संदेश देना, बच्चों को राष्ट्र देशभक्ति का पैगाम देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को आप संदेश देने वाले क्या हैं? कहीं ऐसा संदेश तो नहीं दे रहे जो जहरीला हो? अच्छा संदेश देंगे बहुत अच्छी बात होगी। मोदी की इस पाठशाला में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के सभी स्कूलों जैसे यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE में पढ़ने वाले बच्चों को मोदी का भाषण सुनाया जाएगा। मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी बोर्डों को निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने पत्र का हवाला देते हुए सभी BSA और DIOS को प्रधानमंत्री के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। मोदी के मिशन के लिए कॉन्वेंट स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए CBSE ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या भी मांगी है। हर संचार माध्यम के तहत बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। निजी ऑपरेटरों से DTH आदि की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री का भाषण दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 4:45 बजे खत्म होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी एक साथ लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव के दौरान भी मोदी 3D के जरिए जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। चाय की चुस्की के साथ जनता में मिश्री घोलने का काम भी कर चुके हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अब वो शिक्षा की अलग जगाने के लिए इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि मोदी इस देश के नौनिहालों को कितना खुश कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि कोई भी मौका बड़ा तब बनता है जब उसका प्रेजेंटेशन बड़ा हो, और इसी लिहाज से वो शिक्षा दिवस जो कि सालों से महज एक रस्मी औपचारिकता का मौका भर बनकर रह गया है, उसे एक अलग आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों से सीधे संपर्क कायम करने का बड़ा मसला ये रहेगा कि जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जा रहा है वो क्या कुछ जाएगा और बच्चों पर उसका असर कैसा होगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ देवेंद्र पाराशर, APN न्यूज़, दिल्ली।
तो मोदी शिक्षा मिशन के तहत देश के नौनिहालों से बात करेंगे। दिल्ली में हजारों छात्रों के साथ बैठकर देश के छात्रों से बात करेंगे। इस पल के लिए छात्रों में उत्साह है, छात्रों ने इसके लिए तैयारी भी की है। देश भर से 14.5 लाख सरकारी, 4 लाख निजी स्कूलों के छात्रों से एक साथ ये रूबरू होंगे। इस मिशन के लिए HRD मंत्रालय पूरी तैयारी कर रहा है। टीचर्स डे पर पीएम मोदी का शिक्षा मिशन। 100 दिन की मोदी सरकार ने अब देश के नौनिहालों के दिल तक पहुंचने का जरिया ढूंढ लिया है। देश के बच्चों का भरोसा जीतने के लिए मोदी का मिशन टीचर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे के दिन दिल्ली में लगभग 1000 स्कूली बच्चों से 1.5 घंटे तक बात करेंगे। इसके साथ ही देश भर के सरकारी स्कूलों में टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर उनके इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस प्रयास में लगा है कि टीचर्स डे के दिन पीएम मोदी के कार्यक्रम में बच्चे इतनी संख्या में उपस्थित हों और पीएम से मिलने के साथ साथ उनको वे सुन भी सके। मुझे तो ये बहुत अच्छी कोशिश लग रही, क्योंकि इससे सीधे वो हमारे देश के स्टूडेंट से जुड़ सकेंगे, जो कि अपनी बात उन तक भी पहुंचा सकते हैं। इससे फेस टू फेस एक तरीके से इंटरेक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 14.5 लाख सरकारी स्कूलों और 4 लाख निजी स्कूलों के अलावा सभी जन शिक्षण संस्थानों, पंचायत घरों, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्रों और राज्य संसाधन केंद्र समेत अन्य जगहों पर भी मोदी की पाठशाला के लाइव प्रसारण की सुविधा सुनिश्चित की जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे, पुरुष और महिलाएं उनका भाषण सुन सके। बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा दिवस मतलब कि बहुत ही अच्छा एक ओकेजन होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो अगर वो इस तरीके से स्टूडेंट से अगर इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। ये तो काफी अच्छा है, क्योंकि और अभी तक कोई भी हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर ये सब मतलब इस तरह का कोई इंटरेक्शन स्टूडेंट से नहीं किया आज तक, ये सब तो मतलब उनका अच्छा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहां टीवी नहीं है वहां पर टीवी किराए पर लेने को कहा गया है, और जहां पर बिजली की समस्या है वहां एक दिन के लिए किराए पर जनरेटर लेने को कहा गया है। बताया जाता है कि मोदी दिल्ली कंटोनमेंट एरिया के मानेकशॉ सेंटर में दोपहर 3 बजे से 4:45 बजे तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों से मिलेंगे। सूत्रों ने बताया है कि 52 न्यूज चैनल, रेडियो और FM चैनल्स उस कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे। HRD मंत्रालय के साथ साथ सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों की वेबसाइट्स पर मोदी के कार्यक्रम का लाइव फीडबैक उपलब्ध होगा। मोदी के मिशन में कोई चूक ना हो इसके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो शिक्षक दिवस पर मोदी हजारों छात्रों से मिलेंगे, इसके लिए राज्यों में भी तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी की गई है। स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि हर छात्र स्कूल में मौजूद रहे ताकि मोदी की बात सुन सके। मोदी के मिशन टीचर्स डे पर वे हजारों छात्रों से एक साथ मिलेंगे। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए BJP राज्यों में पूरी तैयारी की जा रही है। हर स्कूल को बच्चों की उपस्थिति के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जिन स्कूलों में टेलीविजन की व्यवस्था नहीं है वहां टेलीविजन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। मोदी जब बच्चों से रूबरू होंगे तो बच्चे अपनी बातें मोदी के सामने रखेंगे। मोदी के इस कार्यक्रम से BJP के नेता काफी उत्साहित हैं। BJP नेताओं का कहना है कि सरकार ने 100 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आने वाला भविष्य जो है युवाओं के हाथ में, जो आने वाली पीढ़ी है वो देश को किस तरह से आगे ले जाएगी, वो देश का प्रधानमंत्री अब पहली बार आज देश के उन युवाओं के सामने अपनी बात रखेगा और उनसे कहेगा कि आप देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें और आगे आए। वहीं कांग्रेस ने मोदी के इस मिशन को बेकार करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि 100 दिन की सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की जनता के अच्छे दिन आ सके। पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ लोगों को लुभाने का एक तरीका है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, भाषण देने से प्रदेश देश नहीं चलता है। आज पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है, पूरे देश में बिजली का संकट है, महंगाई सब चिढ़कर बोल रही है। प्रधानमंत्री जापान जाते हैं और देश में और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पहले जो हाहाकार मचा उसको ठीक करें मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री, उसके बाद दूसरी बात करें। मोदी की पाठशाला के लिए छात्रों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने मोदी के 100 दिन के कामकाज पर खास तौर पर शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों से निराश हैं। डिमांड है और मॉडल बोले नहीं, वो मॉडल करके दिखाएं, और 100 दिन का एजेंडा उन्होंने किया है अपना पूरा, तो वो अपने 100 दिन के एजेंडे में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। 5 सितंबर को वो हमसे रूबरू होने वाले हैं,
तो हमें नई नई योजनाओं के बारे में वो बताएंगे। हम चाहते हैं वो थ्योरी के अलावा वो हमें प्रैक्टिकल के भी अनुभव कराएं, हमें जानकारी दें और हमें उसका रूबरू करवाएं। हम लोगों के लिए नई नई योजनाएं निकालें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और अपने अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। 5 सितंबर को मोदी हजारों छात्रों से मिलेंगे। अब सवाल है कि क्या भाषणों से सब कुछ सुधर जाएगा? अपने 2 कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह जो नहीं कर पाए वो अब पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण से लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं और एक और नया प्रयोग होने वाला है टीचर्स डे पर, जब नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लेंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी बच्चों की पाठशाला लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ भाषण से क्या देश का भविष्य बदल सकता है? कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ विपिन श्रीवास्तव, APN भोपाल। मोदी सरकार बदलेगी पढ़ाई का तरीका। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का ब्लूप्रिंट। शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लोगों में उम्मीद जगाई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 100 दिन की सरकार में आशा की किरणें नहीं दिखी हैं। लाखों छात्रों ने भरोसा जताया था कि सबको शिक्षा देने की बात करने वाले मोदी कुछ करेंगे। शिक्षा जगत में मोदी जी अच्छे दिन लाए क्या? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा में सुधार के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने शिक्षा के अधिकार कानून में भी बड़े स्तर पर तब्दीली करने का मन बना लिया है। यूपीए सरकार ने एक नीति बनाई थी कि 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे फेल नहीं होंगे। इस नीति से पढ़ाई करने वाले बच्चों पर असर पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार इस नीति को बदलने पर विचार कर रही है। सरकार को लगता है कि फेल नहीं करने की नीति की वजह से बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सभी गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। लिहाजा जब बच्चे को 10वीं और 12वीं की परीक्षा देनी होती है तो उसके ऊपर दबाव रहता है, लेकिन 8वीं तक कैसा दबाव? हालांकि मोदी की नीति को तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कड़ भी सराह रही हैं और उन्हें भी लगता है कि शिक्षा में सुधार के लिए बच्चों को नो डिटेंशन नीति से छुटकारा देना चाहिए। बच्चों को अगर हम फेल नहीं करते हैं तो ना तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स फिक्स हो रही है, ना पेरेंट्स की फिक्स हो रही है, बच्चों में भी रुझान कम हो रहा है और विशेष तौर से जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं है। तो हमने कहा है कि स्क्रीनिंग जरूर होगी और हमारी रिपोर्ट में भी हमने यही कहा है कि 5वीं के लेवल पर स्क्रीनिंग और 8वीं के लेवल पर स्क्रीनिंग, ताकि आने वाले समय में जो हमारे 10वीं या 12वीं के बोर्ड के नतीजे रहते हैं उसमें भी फायदा हो। नतीजा ये हो रहा है कि उन परिवारों के बच्चे जो सबसे कमजोर हैं, जहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो समझते नहीं है चीजों को, वे कक्षा 10 तक चले जाते हैं और उसके बाद जब दुनिया में आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनके साथ कितना अन्याय किया गया। मैंने कई बार ये बात कही है कि नो डिटेंशन पॉलिसी अमाउंट्स टू क्रुएलिटी टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर ये क्रूरता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में समुचित विकास की बात कह रहे हैं, लिहाजा शिक्षा उनकी प्राथमिकता में है, क्योंकि शिक्षा में सुधार के बिना समुचित विकास की कल्पना करना भी मुनासिब नहीं है। दरअसल पीएम मोदी न सिर्फ शिक्षा में सुधार के लिए उत्सुक हैं, बल्कि पीएम के साथ ऐसे कई सुझाव हैं जिसके माध्यम से शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। पीएम मोदी के सुझाव: ई बुक और 3D इमेजेस के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए। मोदी ने ये भी सुझाया, ग्रेजुएट PG के छात्रों से छोटी क्लास का सिलेबस तैयार करवाया जाए। साथ ही सबसे बेहतर पढ़ाई के तरीके की वेबसाइट बने, शिक्षकों के लिए अध्ययन जरूरी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ये सुझाव दिया,
मिड डे मील बांटने का काम सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की मदद से हो। मोदी ने ये भी सुझाया विदेशों से रिटायर प्रोफेसर को भारत में पढ़ाई के काम में लगाया जाए। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति कलाम के कॉन्सेप्ट प्यूरा को रोल मॉडल के तौर पर लागू किया जाए। पीएम मोदी के सुझाव में ये भी है कि गुजरात के स्पेशल डे स्कूल छत्तीसगढ़ आवासीय स्कूल की तर्ज पर तमाम स्कूल बने। साथ ही आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में ऑडियो बुक बांटे जाएं। पीएम मोदी ने ये भी सुझाया कि प्राइमरी स्कूलों पर सैटेलाइट मैपिंग कराकर नजर रखी जाए। पीएम मोदी ने ये भी सुझाव दिए कि स्कूलों में गवर्नेंस का नया मॉड्यूल तैयार हो, साथ ही टीचर्स की गैर हाजिरी पर लगाम कसी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी सुझाया कि सरकारी अनुदान अब नई खोज करने पर ही दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री की सोच वाकई में एक नायाब सोच है। अगर पीएम के सोच को अमली जामा मिल जाता है तो शिक्षा में सुधार करने की पहल को उड़ान मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। शिक्षा क्षेत्र में इस नई सोच के साथ ही सरकार की प्राथमिकता सभी राज्यों में IIT और IIM स्थापित करने की भी है। नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए भाषण में साफ किया था कि आज स्कैम इंडिया नहीं बल्कि स्किल इंडिया की जरूरत है। आखिर सरकार जनता से किए वादे को कैसे पूरा करेगी? अभी सरकार देश के बजट का 3.5% ही शिक्षा पर खर्च कर पाती है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन मोदी की शिक्षा नीति अभी तक कागजों में ही उलझी हुई है। तेज तर्रार मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन 100 दिन की सरकार में कुछ भी देखने को नहीं मिला। सरकार काफी कुछ करना चाहती है, लेकिन शिक्षा और खास तौर से उच्च शिक्षा के हालत से सरकार की चिंताएं भी साफ हैं। सरकार की प्राथमिकता सभी राज्यों में IIT और IIM स्थापित करने की है। नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए भाषण में साफ किया था कि आज स्कैम इंडिया नहीं बल्कि स्किल इंडिया की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव में बैठे हर एक छात्र को उत्तम शिक्षा देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था के माध्यम से विश्व को शिक्षक निर्यात कर सकते हैं। अगर 21वीं सदी में हमें दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रखना है तो शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी प्राइमरी एजुकेशन को हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIM न हो, क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIT न हो, क्यों न हिंदुस्तान में हर राज्य में एम्स न हो। हमारा सपना है हर राज्य में IIM हो, IIT हो, एम्स हो, हमारी शिक्षा की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं? आखिर सरकार जनता से किए वायदे को कैसे पूरा करेगी? अभी सरकार देश के बजट का 3.5% ही शिक्षा पर खर्च कर पाती है, जबकि शिक्षा बजट को 8% करने की मांग की जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या फिर नियम में बदलाव किए जाएंगे? क्या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को UGC से अलग कर AICTE की तर्ज पर अधिकार दिए जाएंगे? अगर AICTE की तरह अलग बॉडी बनाई जाती है तो ये किसी यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता में कैसे दखलअंदाजी करेगी? उच्चतम न्यायालय अपने आदेश में साफ कह चुका है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को BTEC और दूसरी तकनीकी कोर्स चलाने के लिए AICTE से मान्यता की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए नई बॉडी के पास क्या अधिकार होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट APN।
तो सरकार अपने वायदों को कैसे पूरा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देश में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए भारत में 600 यूनिवर्सिटीज और 33,000 कॉलेजेस हैं। अगर साल दर साल छात्रों की संख्या बढ़ती गई तो साल 2020 तक 5 करोड़ छात्र दाखिले की लाइन में खड़े होंगे, जो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मोदी सरकार के लिए शिक्षा को लेकर बहुत चुनौती है। सरकार स्किल्ड और स्पीड इंडिया की बात कहती रही है। जिस तरह से उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में 2020 तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन के दरवाजे पर 5 करोड़ के करीब छात्र दाखिले के लिए खड़े होंगे और उन्हें उत्तम शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी भारत में 600 यूनिवर्सिटीज और 33,000 के करीब कॉलेजेस हैं और शिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी इसका मात्र हल नहीं है। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये तीन विषयों में हम जितना बल देंगे, हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें आज जो ट्रेन है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन पर सोच आता है। बुलेट ट्रेन का 500 बार सोचते हैं, बुलेट ट्रेन कर सकते नहीं कर सकते, हम बहुत छोटा सोचते हैं। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी से भी उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार पर स्कूली शिक्षा का स्तर और सुविधाएं बढ़ाने का काफी दबाव है। लिहाजा उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का एकमात्र उपाय डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस मुद्दे पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन दर की स्थिति भी काफी दयनीय है। भारत में 12%, अमेरिका में 82%, ब्राजील में 24%, चीन में 20% और पाकिस्तान में 5% है। भारतीय छात्र विदेश जाकर पेशेवर डिग्री लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 में भारतीय छात्रों ने विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसा तब है जब भारत में कई विदेशी शिक्षण संस्थान साझेदारी में शिक्षा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये रकम हमारी उच्च शिक्षा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत में मेडिकल MBBS की केवल 50,000 सीटें हैं, जबकि मांग 5 से 6 लाख के बीच है। इसी तरह नर्स की मांग 20 लाख के आसपास है, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा छात्र विदेश जाने को मजबूर हैं। अब केंद्र में नई सरकार के सत्ता में आने से एक बार फिर बदलाव की बात शुरू हो गई है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को UGC से अलग करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 2 ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दूरस्थ शिक्षा परिषद के पूर्व डायरेक्टर को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हमारे खास प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी।